भिकनगांव जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजेश बाहेती ने अपने सरकारी आवास पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार रात्रि में जनपद के ही कर्मचारी द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी कि सीईओ साहब ने फांसी लगा ली है। जनपद पंचायत भिकनगांव के कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि सीईओ बाहेती को सुबह से परिजन और कर्मचारीगण फोन लगा रहे थे। रविवार की छुट्टी होने के कारण साहब अपने सरकारी आवास पर अकेले ही थे। दिन भर किसी का भी फोन न उठाने पर रात्रि में जब जनपद के कर्मचारी उनके सरकारी आवास पर देखने गए तो साहब फांसी के फंदे पर झूले हुए थे। वहीं सोमवार सुबह पोस्टमार्टम परिजन, तहसीलदार और आला अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ। जनपद सीईओ राजेश बाहेती की आत्महत्या की गुत्थी सुलझी हुई है। राजेश बाहेती बेहद सरल इंसान थे। परिजनों से प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवार में उनका किसी से कोई विवाद नहीं था। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। भिकनगांव से पीयूष अग्रवाल की रिपोर्ट। हो गया क्या? हो गया। हाँ। सर कल देर रात जनपद सीओ की लटकी हुई लाश मिली, क्या है सर पूरा मामला? कल करीब 10:30 बजे रात में हमारे पास में कुछ जनपद पंचायत के कर्मचारी आए। उन्होंने बताया कि सीओ साहब श्री राजेश बाहेती साहब के घर से काफ़ी बार उनको फ़ोन लगा रहे हैं लेकिन वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहे हैं और उनका फ़ोन घर पे ही बज रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ से पुलिस टीम भेज करके उनको दिखवाया था तो दरवाजे बाहर से, एक दरवाज़ा बाहर से बनता है, एक अंदर से बनता है जिससे वो आना जाना करते हैं। घर में एंट्री नहीं होने से फिर हमने घर के पीछे दीवार बाउंड्री वाल से कूद कर देखा था तो फांसी पर लटके मिले थे। सूचना करवाई घर वालों को, उनको बताया और वहीं पर मौके पर हमारे द्वारा मार्ग इंटीमेशन लेकर के उसमें जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। आज FSL और FSL के अधिकारी को बुला करके और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में छानबीन चल रही है। प्रथम दृष्टिया क्या लग पाया जा रहा सर? अभी क्या? तो उनके परिजनों का कोई काफ़ी शौक में थे तो उनके स्टेटमेंट नहीं हो पाए हैं और अभी चूँकि अभी मामला जांच में है, अभी PM हो रहा है उनका, इसके बाद जांच के बाद ही कुछ निर्णय पर आ सकते हैं। सर कोई अवसाद द्वारा किसी प्रकार के कोई साक्ष्य बरामद किया गया है क्या? कोई सुसाइड नोट या? अभी तो उनके घर से जो भी कागजात मिले हैं उनमें छानबीन चल रही है, अगर ऐसा कुछ होगा तो आप लोगों को जरूर। सर परिवार का आरोप है कि कुछ राजनीतिक दबाव में थे वो? नहीं, अभी परिवार जनों से हमने स्टेटमेंट लेने की कोशिश की थी तो वो अभी काफ़ी शोक में है। उनका बालक आया था, उनके उनके दामाद भी आए थे, वो काफ़ी उसमें थे तो अब हम उनसे बाद में पूछताछ करके बयान लेंगे तो हमको जानकारी पता चलेगी क्या है उनका। सर मोबाइल पर आखिरी बार किससे बात हुई थी, कुछ पता चल पाया? मोबाइल के अभी छानबीन बाकी है। सर ये मारा जाए कि संपूर्ण जांच निष्पक्ष रूप से होगी और आरोपियों को? बिल्कुल 100%। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।